उसमें हम लोग जो राजनीति करते हैं वो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह कि अपने दलों को और देश के लोगों को छोड़ के उनको एक तरफ करके अकेले चलने की राजनीति करें। त्यागी अब जी, देखिए सवाल क्यों तो लोगों की यहीं पर उठता है। आप कह रहे हैं तरफ, कि हम सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति करते हैं, आप अपने नेताओं को अपने साथ ले नहीं चल पा रहे हैं, तो सहयोगी दलों को कैसे लेकर चल पाएंगे आप? कौन नेता हमारा साथ नहीं है बताइए ना, जिनको देखिए, जिनको डर था, अच्छा, जिनको ईडी अब सुन लीजिए, सीडी कौन इनकम नेता टैक्स आपने इसका पूछ डर लिया। था। तो आपने हिमाचल प्रदेश को अभी आपने देखिए सुन ही रहे थे किस तरीके से 6 नेताओं ने क्रॉस वोटिंग किया, और सबसे बड़ी बात एक खबर और है, शायद आपको जानकारी होगी, पश्चिम बंगाल से तो आई पार्टी है। छोड़ के कौन गया? पार्टी छोड़ के तो कोई भी नहीं गया 6 नेताओं में से, ठीक ना है, विक्रमादित्य जी गए ना कोई गया। ठीक है, कौस्तव एक बागची, मनमुटाव है, अरे दोनों सुन का तो लीजिए, आपस अरे के बीच में सुनिए तो। मनमुटाव है, वो परिवार त्यागी में हो जी, जाता है। कौस्तव बागची जी का आपने नाम सुना होगा, आप शायद मुझे लगता है पर्सनली भी जानते होंगे क्योंकि आपके पार्टी के नेता हैं। वो जब जमानत से पिछले साल मार्च में रिहा हुए थे तो टीएमसी के खिलाफ उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक टीएमसी की सरकार रहेगी, सिर मनवाया था, उन्होंने कहा तब तक हम बाल नहीं उगने देंगे, और आज उन्होंने इस्तीफा सौंपा है और बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। उम्मीद तो यह भी लगाई जा रही कि बीजेपी का दामन तो थाम लेंगे वो। योगेश जी ये सही, यही ठीक सवाल मैं बीजेपी से भी पूछ सकता हूँ कि बिहार में जो डिप्टी सीएम है आज की डेट में, उन्होंने बोला था हम साफा बांध लिए हैं सर पे, और जब तक जेडीयू के साथ मिलेंगे नहीं और जेडीयू के साथ कभी सरकार नहीं बनाएंगे। आज जेडीयू के साथ बैठ के ही वो मलाई ठीक खा रहे है, हैं। ठीक तो ये है, सेम सवाल मैं भारतीय मुरारी जनता पार्टी से गौतम, पूछ और सकता हूँ। अच्छा याद दिला दिया बिहार का, मुरारी गौतम और सिद्धार्थ सौरव इस्तीफा दे दिए हैं, मैं वही बोल रहा हूं, देखिए ये एक विचारधारा की और लड़ाई है बीजेपी कि शामिल हो देश चुके में हैं। तो आपके विधायक मैं हैं, आपने वही बिहार का जिक्र किया, योगेश जी, आप नहीं, योगेश त्यागी जी जी, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, आपसे सवाल ये, आप ये कह रहे थे ना कि कौन से, किसने इस्तीफा दिया वो बताइए, आपके विधायक इस्तीफा दे दिए बिहार का, बिहार से। योगेश जी मैं उसी बात पे आ रहा हूं। ये जो 2024 का चुनाव है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, ये विचारधारा की लड़ाई का चुनाव है, और विचारधारा की लड़ाई हल्के दिल से नहीं लड़ी जाती। विचारधारा की लड़ाई लड़ने के लिए लोहे का दिल चाहिए होता है। तो जो लोहे के दिल वाले लोग हैं वो आज भी हमारे साथ हैं, और जो ठीक, हल्के दिल वाले हैं, जिनको इनकम टैक्स का डर है, जिनको ईडी का डर है, जिनको सीबीआई का डर है, जिनको इस तरह के अन्य डर हैं जो भारतीय जनता पार्टी दिखा रही है अपने पैसे के दम पे, वो सब छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, कौन किस लिए छोड़ करके जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी किस चीज का डर दिखा रही है। इसी में योगेश हाँ जी, योगेश जी हाँ 30 सेकंड और लूंगा। हाँ इसी में मेरा यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी है हाँ कि आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में आप निषाद जी को कितनी सीट देंगे, वो भी मांग रहे हैं, राजभर जी भी सीट मांग रहे हैं, मैं अनुप्रिया आगे भी बढ़ पटेल जी भी जाऊंगा सीट मांग त्यागी रहे जी, मैं हैं। आगे भी बढ़ जाऊंगा, मैं नहीं, महाराष्ट्र और उसके बिहार भी बाद पूछ लूंगा आप, था उसके आशीष बाद जी आप से। बिहार की, अगर अगर बिहार की ही बात करी है हाँ, तो पशुपति पार्वती जी को मैंने कितनी आपका सीट सवाल ले देंगे, लिया, चिराग मैंने पासवान आपका जी को सवाल ले कितनी सीट लिया, देंगे। मैं केवल उत्तर तो प्रदेश में हम ही, तो अपने बिहार और महाराष्ट्र गठबंधन की भी जो सीट अश्विनी जी शेयरिंग से है पूछूंगा उसको और वो क्लियर जवाब करते जा देंगे। रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो चला है, अश्विनी जी आपके पास आए, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, तो मचे सियासी आपाधापी के बीच 24 का समीकरण क्या कुछ कहता नजर आ रहा है। अश्विनी शाही जी, आप विपक्ष खत्म ही कर देना चाह रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरीके से जो ये भगदड़ मची हुई है उसको देख करके तो यही लगता है, ऑपरेशन लोटस के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष लगातार ये इस बात का आरोप लगा रहा है कि किसी को ईडी सीबीआई यानी एजेंसियों का डर दिखा करके, किसी को सुरक्षा देने का हवाला दे करके, लालच दे करके, किसी को ठेका पट्टी का लालच दे करके, जो विपक्ष के दल के जो मजबूत नेता हैं, मजबूत स्तंभ हैं, उनको लगातार आप तोड़ रहे हैं। योगेश जी देखिए, बड़ा नियति का खेल बड़ा खराब होता है। कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा है सिर्फ सिर्फ विलाप करने के। एमआईएम के 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी इनकी वहां पर वो मिला लेती है तो उसमें कौन सा ऑपरेशन लोटस था, तब तो बड़ा अच्छा काम हुआ था। राजस्थान में बीएसपी के विधायकों को तोड़ के मिला लिया इन लोगों ने अपनी पार्टी में, तो बड़ा अच्छा काम हुआ था। तो ये लोग करें तो बहुत अच्छा है, और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप, भाई आप किसी को जलील करेंगे, सम्मान नहीं देंगे, वो जरूर जाएगा, सनातन का अपमान होगा, और जो दिल से सनातनी होगा, दिमाग से सनातनी होगा, वो जरूर जाएगा।
अरे भाई, आप अभी हमारे ईशान त्यागी जी जो हमारे मित्र यहाँ बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, ये बहुत सी दलीलें और सवाल पूछ रहे थे। इनको सवाल पूछने का हक है, विरोध में बैठे हैं, मगर इन्होंने जो लोहे का दिल दिमाग वाला बताया वो आज ही के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा है कि बिंदा को करात ने कहा है कि वायनाड से राहुल गांधी को नहीं लड़ना चाहिए चुनाव। उन्होंने किसी राजा, वो पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, उनको टिकट घोषित कर दिया है वहां। ये लोहे के दिल दिमाग वाले इंडी गठबंधन वाले जो राहुल गांधी को ही नकार रहे हैं, पहले के जितने जो क्या कहते हैं लालच जमानत हुई, जो भी हुआ, चाहे जेडीयू का हुआ, चाहे वहां ममता बनर्जी का, वो सब दिखाई दिया, सब जगह दिखाई दिया किस तरीके से कांग्रेस के साथ गलबहिया वहां पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कर रही है, लेकिन वहां पर जो है आम आदमी पार्टी ने इनको दाल नहीं गले। तो ये कौन से लोहे के दिमाग वाले लोग हैं? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, सनातन की रक्षा अगर करने की बात हम कर रहे हैं तो ये हमको सांप्रदायिक कहते हैं। पहले ये टोपी लगाकर जो बगैर रोजा रहे अफ्तारी करते थे तो ये सेकुलर नहीं, थे। तो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, यानी ये का मतलब कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि सनातन कोई दिखावे की चीज नहीं है, ये आस्था का विषय है। आस्था हम में भी है, आप में भी है, लेकिन आप उसका सियासी लाभ क्यों लेते हैं? योगेश भाई, अब देखिए, अगर हमारे पास कांग्रेस पूछती थी कि भाई मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आज हमने मंदिर भी बताया, तारीख भी बताया और आज दर्शन भी लोग कर रहे हैं, ये मौका तो इनके पास भी था, इन्होंने क्यों नहीं दिखावा कर लिया भाई? ना कर, ये कर लेते दिखावा। हमको रामलला ने काम करने के लिए भेजा और हमने काम किया और वो काम आज दिख रहा है। 2014 के पहले हिंदू की बात करने वाले लोग जो है सेकुलर नहीं कहे जाते थे, वो कम्युनल कहे जाते थे। और ये लोग, अभी जो मैंने बताया, ये लोग जब अफ्तारी के कर आते थे बगैर रोजा रहे तो ये बहुत बड़े जो है सेकुलर थे। हमने मंदिर की बात की, हमने आज सनातनियों ने तय भी कर लिया। योगेश भाई, आज देश में आप किसी भी गली में निकल जाइए और छत की तरफ नजर डाल दीजिए तो जो झंडे दिख रहे हैं ना आपको, सनातनियों ने तय कर लिया है किधर जाना है। अभी एक बहुत बड़े चैनल का कॉन्क्लेव था, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ, वहां पर बड़े विरोधी दलों के लोग भी मिले। वहां पर एक धर्माचार्य आए थे, कई और दलों के लोग, तो दूसरे दलों के लोग क्या कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के तरफ देख रहा है। हम सनातन की बात सिर्फ नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भी बात करते हैं, चाहे हमने तीन तलाक की बात की हो, चाहे हमने राशन की बात की हो, आयुष्मान की बात की हो, मकान की बात की हो, हमने शौचालय की बात की हो, हमने भेदभाव नहीं किया, हमने राशन की बात की। टिकट बंटवारे में भेदभाव दिखेगा कि उनका जो हक है? टिकट बंटवारे में अभी अभी पीछे चुनाव हुआ, अभी पीछे चुनाव हुआ है, देखिए हमने कितने मुसलमानों को टिकट दिया था, आपको रिकॉर्ड मुसलमानों को टिकट दिया गया था। अभी कुछ दिन पहले नगर निगम के चुनाव हुए और कई चुनाव बीते हैं, देखिए ना, हम तो हमारे साथ मुसलमान भाई जिनको डराया गया था कांग्रेस के द्वारा और विरोधियों के द्वारा कि भाजपा के साथ जाओगे तो मार डालेंगे, काट डालेंगे, भाजपा आ जाएगी सरकार में तो ये होगा, आज वही मुसलमान भाई, आज वही मुसलमान बहन, माताएं हमारी आज देख रही हैं कि मोदी जी जब से आए हैं दंगे नहीं हो रहे हैं, भागलपुर अखोड़वा कांड नहीं हो रहा है, मुरादाबाद के दंगे नहीं हो रहे हैं, हैदराबाद के दंगे नहीं हो रहे हैं, कांग्रेस ही थे दंगा पार्टी। ईशान त्यागी जी, एक छोटा सा थे, उसके बाद अनिल जी के पास जाते हैं। अश्विनी जी ने देखिए, मैं पॉइंट बाय पॉइंट, देखिए मैं तथ्यों की डिबेट करता हूँ, मैं पॉइंट बाय पॉइंट उनको काउंटर करूंगा, शॉर्ट में करिएगा, उसके बाद दोबारा आते हैं आपके पास। कांग्रेस के पास अनिल जी के पास जाना है। हाँ, इन्होंने बोला देखिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, अगर कुछ भी नहीं बचा है तो हमारे यहाँ से क्यों आपको नेता ले जाने पड़ रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये तो लीडरशिप है हमारे पास कि आप आज भी हमारे यहाँ से नेता निकाल रहे हैं, चलिए खैर वो अलग बात है। दूसरी बात, इन्होंने सनातन की बात करी, क्या ये सनातन धर्म के ठेकेदार हैं? ये कौन होते हैं सनातन धर्म का सर्टिफिकेट देने वाले? ये कौन होते हैं राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने वाले? ये क्यों तय करेंगे कि मैं राष्ट्रवादी हूं या नहीं हूं, मैं सनातनी हूं या नहीं हूं? तीसरी बात इन्होंने करी 2014 से पहले की, 2014 से पहले इन्होंने देखे धार्मिक विद्वेष की बात करी सिर्फ। मैं आपको 2014 से पहले की और अब की स्थिति बता देता हूं। ये देखिए, ये जो 2024 का चुनाव है, मुद्दों का चुनाव है, 2014 के मुद्दे और 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का कहती थी, और 2024 में आज क्या स्थिति है वो मैं साफ कर देता हूं।
आप देखिए एलपीजी का दाम 120% बढ़ गया, पेट्रोल का दाम 37% बढ़ गया, डीजल का दाम 64% बढ़ गया, सरसों के तेल का दाम 60% बढ़ गया। त्यागी जी अगर इसको हम कंक्लूड कर दें तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आप जो बात कहते हैं कि बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सारे मुद्दे आप प्रत्येक चुनाव में उठाते हैं, इसका असर 24 में कितना देखने को मिलेगा ये भी हम समझ लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी आपके पास है, लेकिन हमारे साथ अशोक यादव जी भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अशोक यादव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल जी आप इस पूरे घटनाक्रम को, राज्यसभा के जो चुनाव हुए उसको किस तरीके से देखते हैं और 24 के चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? सियासी हलचल जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रही है, डिबेट का अभी टाइम बचा कम है और बातें हैं बहुत ज्यादा कहने के लिए, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बोल देता हूं। जी राज्यसभा का चुनाव हो या उससे पहले अलग अलग पार्टियों के नेताओं का अपनी अपनी पार्टी छोड़कर एनडीए कुनबे में जाने की कोई बात हो, ये सारा खेल हो क्यों रहा है? ये कारण पूछते हैं जो विपक्षी दलों से तो वो बताते हैं कि ईडी का डर है साहब, सीबीआई का डर है साहब, लालच दे दिया, यानी ये अपने ही पार्टी के नेताओं के सर्टिफिकेट देते साहब, वो डरपोक थे, लालची थे, बिकाऊ थे, यानी वो थे या नहीं थे वो अलग बात है, लेकिन इन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया जो जो वर्षों से इस पार्टी में थे, लेकिन ना तो लालची, ये सारी विषय नहीं क्योंकि, क्योंकि तथ्य इस बात के हिमंता बिस्व शर्मा जी को देख लीजिए, पहले तो वो बहुत बड़े इस तरह के लोग हुआ करते थे जिनको उसके जवाब मुख्यमंत्री सवालों के जवाब अश्विनी जी देंगे, लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि अनिल जी आपकी बात सुन रहे थे तो अनिल जी को अपनी बात तो आपको मुझे लगता है कि मेरे को कम से कम कुछ आपको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सर योगेश जी सवाल ये है कि लोग जो नेता जा क्यों रहे हैं, एक दूसरे की पार्टियों में जाते क्यों हैं? देखिए ना तो डर से जाते हैं ना लाल से जाते हैं, वो जाते हैं अपने बेहतर भविष्य की तलाश में। उनको लगता है कि ये हम जो माइग्रेट कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी किसी पार्टी से कर रहा, उनको लगता है जहां है उससे बेहतर हमें भविष्य वहां मिलेगा, क्योंकि आज विचारधारा की लड़ाई की पार्टी नहीं रह गई है, नेताओं की कोई विचारधारा नहीं, पार्टियों की अपनी विचारधारा है लेकिन नेताओं की कोई विचारधारा नहीं है, वो तो जहां उनको लगता है कि आने वाला भविष्य उनका ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा अच्छा कुछ उनको मिल सकता है, ज्यादा अच्छा दायित्व मिलेगा, ज्यादा अच्छा पद मिलेगा, सरकार में जगह मिलेगी, इसलिए वो जाते हैं। अब ये परसेप्शन क्या है आज के दिन, पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नेतृत्व एनडीए ने ये परसेप्शन सेट कर दिया है कि 2024 में तो वो हर हालत में लौटने वाले हैं, बहुमत का तो सवाल ही नहीं है, सवाल है कि हम 400 पार करते हैं या नहीं करते। तो यानी अभी ये विपक्षी पार्टी बार बार जब कहती है ईडी के डर से गए, सीबीआई के डर से गए, तो कुछ कुछ ये भी उस पर मोहर लगाते हैं कि सत्ता तो वापिस नरेंद्र मोदी जी की आने वाली है, यानी ईडी और सीबीआई तो उन्हीं के पास रहेगी, इसलिए उस डर के कारण जा रहे हैं। लेकिन लोगों को ये लग रहा है, नेताओं को भी लग रहा है, लोगों को भी लग रहा है कि एनडीए वापिस सत्ता में जरूर आएगी, इसलिए अगर भविष्य की तलाश करनी है, आपको आगे आने वाला समय में सत्ता के पक्ष में रहना है, तो आप एनडीए में माइग्रेट हो जाइए। और यही इकलौता कारण है जो मैं समझता हूँ, जो परसेप्शन सेट करने का जो मामला था, एनडीए परसेप्शन सेट करने में सफल रहा है कि वो हर हालत में सत्ता में वापसी कर रहे हैं। अनिल जी की बात को अगर हम कंक्लूड करें तो अनिल जी की बात ये निकल करके सामने आ रही है कि हार जीत का अब यहाँ पर कोई, ठीक है आपके पास आ रहे हैं, अनिल जी कहना ये चाह रहे हैं कि दरअसल अब हार जीत की यहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, अब बात हो रही है कि ये थर्ड टर्म तो आनी आनी बीजेपी को है, लेकिन 400 पार आएगी या नहीं अब लड़ाई इसकी हो रही है, अनिल जी ये कहना चाह रहे हैं, आई एम राइट अनिल जी? बिल्कुल, ये परसेप्शन सेट कर दिया है, परसेप्शन सेट कर दिया है, और नेताओं को भी यही लग रहा है कि 400 पार मतलब बीजेपी तो सरकार आनी ही आनी है, अब 400 पार आनी है नहीं। आपके पास आएंगे हम त्यागी जी, लेकिन अशोक जी का कमेंट लेते हैं। अशोक यादव जी बड़ी हलचल मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है, दो लड़के भी साथ में आ गए, लेकिन इतने आपके कद्दावर नेता, दिग्गज नेता जिनको लेकर के आप बड़े बड़े दावे करते थे, वो सब आपके साथ छोड़ करके जा रहे हैं और बड़े आरोप लगा के जा रहे हैं। देखिए इस तरह के नेता जो है हर पार्टी में होते हैं, और जब उनको उनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो पाती है तब इस तरह के काम करते हैं। आज ये बताइए कि जो नेता माइग्रेट, जो आप कद्दावर नेता आप बता रहे हैं, अरे हम नहीं बता रहे हैं क्या, मनोज पांडे आप कद्दावर नेता आप नहीं कहते थे, आप ही के बताइए, आपने किस भारतीय जनता पार्टी ने वहां कौन सा दांव नहीं चला ऊंचा हार में, लेकिन असफल रही है वो लहर, वो लहर जो मोदी लहर में, उसमें भी मनोज पांडे ने वहां के प्रत्याशी को धूल चटा दिया, उसके बाद
आप राकेश नहीं राकेश प्रताप सिंह को आप कद्दावर नेता नहीं मानते थे क्या? आप नहीं कहते हैं क्या? आप बताइए ना, मैं नहीं कह रहा हूँ इनको, तो आप कद्दावर कद्दावर नेता। देखिए कद्दावर नेता कौन होता है? हाँ, चुनाव सिर्फ जीत लेने से कद्दावर नेता नहीं बन जाता। कद्दावर नेता रहते तो बिना समाजवादी पार्टी की झंडा से जीत लेते चुनाव, तो जानते कद्दावर नेता है जिसकी बात आप कर रहे हैं, चाहे राकेश प्रताप सिंह की बात कर लें, अभय सिंह की बात कर लें, मनोज पांडे की बात, ऐसे कद्दावर नेताओं की अपनी कद्दावरी दिखाने की, तो बिना सिंबल के चुनाव लड़के दिखा देना निर्दल, तब समझ में आता है कितना बड़ा कद किस नेता का है। रह गई बात कि ऐसे लोग चले जा रहे हैं किसी के, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कोई ऐसा यंत्र नहीं है, कोई ऐसा तंत्र नहीं है कि किसी के अंदर की छुपी हुई गद्दारी को, किसी के अंदर छुपी हुई गिदड़पना को माप सके कोई ऐसी मशीन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग अवसरवादी लोग होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, जो मुगल काल में भी पाए जाते थे और ब्रिटिश काल में भी पाए जाते थे, उस समय भी सत्ता के लिए पीठ में छुरा घोंपते थे और उन्हीं का डीएनए आज भी चला रहा है। अच्छा, जो सत्ता के लिए पीठ में डीएनए। अच्छा, पढ़ना यादव ब्रिटिश काल की कि मुगल काल की, केवल इतना बता दीजिए, उसके बाद हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए जाना है। क्या चीज? अपर्णा यादव ब्रिटिश काल की है कि मुगल काल की है? देखिए वो पारिवारिक मैटर था उनका, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था, वहां पे सिर्फ पारिवारिक मैटर था। वो पारिवारिक मैटर हर परिवार में थोड़ा बहुत रहता है इस तरह की बातें, लेकिन जो इस तरह के लोग हैं जो तथाकथित कद्दावर की बात जो कर रहे हैं, ये लोग ऐसे ही हैं। ये लोग एक तरह से देखिए इतनी बड़ी सत्ता के सामने सीना तान के खड़ा रहना गीदड़ों की बस की बात नहीं है, इसके लिए 56 या 58 इंच का सीना चाहिए। और वो सीना उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के पास है, राहुल गांधी जी के पास है, तेजस्वी यादव जी के पास है, तो ऐसे ऐसे लोगों के पास वो सीना है। ये लोग गीदड़ लोग ऐसे विकट परिस्थितियों में खड़े होने वाले नहीं है। अभी सत्ता बदल जाएगी, ऐसे लोग फिर हमारे यहाँ आएंगे दरबार लगाने, तो ऐसे लोगों का कोई एक ही सवाल नहीं होता। परिवार में आ गए अशोक जी की, वो पारिवारिक मामला है, पारिवारिक मामला मतभेद का हो सकता है, मनभेद का नहीं होता है। और यहाँ पर मनभेद नजर आ रहा है, वो बीजेपी के नेता है, परिवार की इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े आपके नेता है, दिग्गज नेता, घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, घर के नेताओं को नहीं रोक पा रहे हैं। और अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं पारिवारिक मामला है वो, और दूसरे नेताओं को आप कह रहे हैं वो गीदड़ हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है। आश्विनी जी आपके पास आएंगे, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त एक और हो चुका है, इसलिए हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं, शाही जी का रुख करेंगे। शाही जी, कौन गीदड़, कौन शेर, कौन बब्बर शेर, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे? अभी अशोक भाई जिसको बब्बर शेर बता रहे थे, वो बब्बर शेर मिले थे मुझसे थोड़ी देर पहले, मतलब मुझसे क्या मिले थे, वो आए थे कार्यक्रम में, हम लोग विवाह उपस्थित थे। मैंने उनको कहते हुए सुना किसी से, नाम नहीं लूंगा मैं, किससे कहते हुए कि आप हमारे खिलाफ ना बोलिए, हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे वो, और अभी एक घंटे पहले की बात मैं बता रहा हूँ। और अशोक भाई को पता होगा शायद, वो किसी कार्यक्रम में गए थे, आज एक टीवी चैनल का कॉन्क्लेव चल रहा लखनऊ में, अशोक भाई उसी टाइम्स नाउ का। अरे अब नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है किसी के उसमें, लेकिन चल रहा है। कुल मिला के मेरा ये कहना है कि लोगों की असलियत सबको पता हो चुकी है योगेश भाई, कि हम कहाँ हैं। और मैं कह रहा हूं आज कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर जो लड़ रही है, और अनिल जी ने जो कहा है ना 400 पार जाने क्या की यहाँ बात है, यहाँ पर 273-72 की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में 1-2 सीट ये गठबंधन जीत जाए तो बहुत है, आज जनता तय कर चुकी है। और जिस तरीके से ईशान जी तथ्यों की बात करते हैं, ईशान भाई मैं भी तथ्यों की बात करता हूं। ऑल टाइम महंगाई कांग्रेस के सरकार में, आज आप जाकर देख लीजिए 5% का है डेटा, कोई वो नहीं है। 3.2% की बेरोजगारी है, कहां है आप? सोना गिरवी आपके उस समय देखिए, और आज का फॉरेक्स रिजर्व देखिए, आज हम 5वीं अर्थव्यवस्था, आप 11वीं पर थे। मैन्युफैक्चरिंग में हम दूसरे नंबर पर है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अमेरिका को भी पछाड़ चुके हैं, 37 किलोमीटर रोज सड़क बना रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई, विदेश नीति हर जगह, व्यापार विदेश व्यापार देख लीजिए, निर्यात बढ़ा है। तो कहीं भी आप कांग्रेस के लोग इस समय क्या है, एक मोहम्मद की दुकान खोलने वाले, वो बंद कर दिया उन्होंने सारी मोहब्बत की दुकान, लेकिन अब तो दोनों भाई मिलकर, भाई भी मिलकर
चलिए, आपने अश्विनी जी आपने तो एक नया नाम दे दिया मोहब्बत, वैसे भी आप लोग इतना आरोप लगाते रहते हैं। और ये अशोक भाई तो उसके नेता है। हाँ। वो तो कहते हैं अशोक भाई, तो देखिए उन्होंने कहा है क्यों गए अभी राकेश प्रताप सिंह क्या बोल रहे थे, अभय सिंह के बारे में अशोक जी ने क्या कहा। मैं कहना चाहता हूं PDA पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यकों के नहीं हुए ये, वहां से जो है लखीमपुर खीरी वाले उनके जो है उनका आ गया बयान कि किस तरीके से होते हैं, जया बच्चन के लिए किसके किसके बयान आए वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नहीं हुए। उसके पहले अल्पसंख्यक जो है रामपुर वाले खान साहब का बयान आ चुका था आपने देखा, लेकिन उसमें ना अगड़ा था, कहां गए ठाकुर बाबन बनिया, इनकी कोई मोल नहीं है, कोई वक्त नहीं है। इसलिए राकेश प्रताप सिंह अभय जी वहां पर, और मैं तो कह रहा हूं कि अभी और लोगों के अंदर की अंतरात्मा जागेगी और समय आने पर आपको लोग छोड़कर जाने वाले हैं। और इस समय समाजवादी पार्टी जिस कठिन दौर से गुजर रही है, मुझे नहीं लगता है कि अंदर बहुत दिनों तक ये ठीक है। अंतरात्मा की आप जगाने की बात कर रहे हैं और अंतरात्मा लोगों की जाग रही है, हृदय परिवर्तित हो रहा है। ईशान त्यागी जी जवाब दीजिए आप। देखिए अंतरात्मा तो भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए अपने गिरिबान में जाके कि अपनी अंतरात्मा मार के जब वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं, जिसका जिस बात को सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात को देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करी है चंडीगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी को पहले तो अपने अंतरात्मा में जागना चाहिए कि वो लोकतंत्र के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। दूसरी बात ये सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं, मैं मेरे को बोल लीजिए आपके बीच में नहीं बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी जो स्कीम लेकर आए थे उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी, और उसी का प्रयोग करके क्या भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में जाके चुनाव जो चुनी हुई सरकारें हैं उनको गिराने का काम करती है। तो उसी को इसीलिए एकत्रित किए थे क्या आपने हजारों करोड़ रुपए कि देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर सके। दूसरी बात यहाँ पे अभी इन्होंने तथ्यों की बात करी, तथ्य तो ये भी कहते हैं जैसे मैंने अभी महंगाई का तथ्य इनको बताया कि कोई जवाब नहीं दे पाए उस बारे में कि डीजल के दाम कितने हो गए, एलपीजी के दाम कितने हो गए, पेट्रोल के दाम कितने हो गए, सरसों के तेल के दाम कितने हो गए। अब और सुनिए, देखिए एससी और एसटी समाज के खिलाफ जो अपराध होते थे 2013 से लेके 2022 में आज 48% बढ़ गए हैं, उस पर कोई जवाब नहीं देंगे। ये जातिगत जनगणना पे कोई जवाब नहीं देंगे, जातिगत जनगणना करवाना ही नहीं चाहते हैं ये, लोगों को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं। महिलाओं की ये बात करते हैं, महिलाओं पे सुन लीजिए 2022 लेकिन जनता क्यों नहीं समझती, सवाल आपसे केवल इतना सा छोटा सा है। मैं एक जवाब दे सकता हूँ योगेश भाई? हाँ अश्विनी साई जी तुरंत कमेंट कीजिए, उसके बाद जनता मैं बोल देता हूँ। सुन लीजिए किसान जी, आप ही को जवाब दे रहे हो, जागी जी 5 सेकंड साई जी जा रहे हैं, एक जवाब दूंगा जस्ट। हाँ साई जी देखिए लोकतंत्र की हत्या करने की बात कहते हैं, और लोकतंत्र की हत्या की बात वो पार्टी करती है जिसने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की, इमरजेंसी लगाकर किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की, आज वो लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। ठीक है अनिल जी, सर्टिफिकेट मिल गया क्या इससे? आपको सर्टिफिकेट मिल गया क्या कोई? नहीं सुन लीजिए, दो इमरजेंसी लगाई हमारी पार्टी को, देश हमारी पार्टी को हटा दिया गया, और महिलाओं सुरक्षा का भी अभाव है। ठीक है वो जनता बता देगी, महिलाएं बता देंगी, आधी आबादी बता देगी। योगेश जी मेरा ये मानना इस समय अंतरात्मा के साथ कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है, अंतरात्मा भारतीय राजनीति में कहीं किसी के पास नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये देखा जा रहा है कि मेरा भविष्य किसके साथ, किस पार्टी और किस नेता के साथ है। मैं अपनी अपनी बात के समर्थन में आपको एक बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में RLD और SP का गठबंधन हो गया था, SP ने 7 सीटें उनको लड़ने के लिए दी, लेकिन RLD को उनका साथ पसंद नहीं आया, उन्होंने NDA का साथ लिया और मात्र 2 सीटों पे खुश हो गए। क्यों हो गए? उनको ये समझ में आ गया और परसेप्शन के कारण कि 7 सीटों से अच्छा है NDA के साथ दोनों जीते, दो लोग तो जीतेंगे कम से कम। अब बिहार में आ जाइए, बिहार में JDU पिछली बार NDA के साथ लड़े थे और 17 सीटें में लड़े थे, 16 जीत गए थे, और
जो कथा नहीं थी उस समय यूपीए था और आज इंडिया गठबंधन है, उनको कुछ नहीं मिला था, कांग्रेस किशनगढ़ की इकलौती सीट जीती थी, उनको भी मालूम है कि अगर इस बार वापस ठीक है, मतलब अपना हित देखा जा रहा है यहाँ पर, जनता के लिए हित क्या है, नेताओं से को उससे कोई मतलब नहीं है, पहले अपनी रोटी से को अपना पेट भरो और उसके बाद फिर जनता की देखी जाएगी। ईशान त्यागी जी माफ कीजिएगा, समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पर विराम देना पड़ा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो लगातार 2024 के चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारी की जा रही है, लेकिन इन दिनों विपक्षी गठबंधन में जो दल शामिल हैं उनके नेताओं की टूट जो देखने को मिल रही है, ये एक बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये सवाल किशोर इशारा कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, खबरों के लिए आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़। नमस्कार।